अगर आप वोटर आईडी कार्ड के अंदर कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है, फिर आप एक नया वोटर आईडी कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो आपको अपने एरिया का जो बीएलओ है उससे कांटेक्ट करना होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एरिया का जो बीएलओ है उसका कॉन्टेक्ट नंबर कैसे ले सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि आपका वोटर आईडी कार्ड खो जाता है तो आप एक न्यू वोटर आईडी कार्ड कैसे मंगा सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता लेता हूँ कि आप अपने एरिया का जो बीएलओ है उसका कॉन्टेक्ट नंबर कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर आके क्रोम को ओपन करना है और उसके बाद गूगल को सर्च करना है और गूगल के अंदर आपको लिखना है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब को ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि nvsp.in, आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है नो योर, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। और इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको लगाना है। और वोटर आईडी कार्ड नंबर लगाने के बाद यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एरिया है उसका जो बीएलओ है उसके कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं, साथ में ERO के भी कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाते हैं और DEO के भी नंबर आपको मिल जाते हैं और इनका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसकी सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब यदि आप अपने वोटर आईडी कार्ड के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।